आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। सवाल कहता है कि ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाय 20%, द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज ऑल टुगेदर बाय। ठीक है, कह रहे हैं कि एक नंबर को 10% पहले बढ़ा दिया, फिर उसको दोबारा से 20% बढ़ा दिया, तो जो पहले नंबर था वो कितने प्रतिशत कुल मिला के हुआ। ठीक है, 10 और 20 मिला के। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको परसेंटेज का ज्ञान नहीं है, नए नए लोग हैं, वो क्या करेंगे, बोलेंगे 10% हुआ है, 20% हुआ, सीधा से ऐड कर देंगे, 30% आंसर बोल देंगे ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं होता परसेंटेज में। तो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 30% है, बी 15%, सी 32%, डी 36%। ठीक है, आपका लगभग आंसर कितना होता है, जैसे अगर 10% है, 20% है, तो आपको तो 30% नहीं होता है लगभग, लेकिन उसके आसपास ही रहता है, जैसे 32% या 36%। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्या आंसर होगा। तो जब भी परसेंटेज वैल्यूज रहती हैं, तो आप या तो 20%, आपको जो भी डिफिकल्ट परसेंटेज दिए हुए हैं आप वो पहले निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जब नेट वैल्यू पूछता है आखिरी में कितना हुआ ऑल टुगेदर, कि आखिरी में आपकी वैल्यू कितनी चेंज हुई है, जब भी क्वेश्चंस में आपसे पूछता है कि लास्ट में आपकी चेंज कितनी हुई है, ठीक है, बीच की कोई वैल्यू नहीं पूछता है, कि आपको अगर पहली बार आपने 10% बढ़ा दिया, फिर उसने 20% बढ़ा दिया, तो जब 20% बढ़ाया था तब क्या वैल्यू थी, और फिर उसके बाद फिर बोलेगा कि 30% बढ़ा दिया। ठीक है, तो बीच की वैल्यू जब तक नहीं पूछता तब तक आप निश्चिंत रहें, वो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है। ठीक, तो जब भी ऐसा रहता है तो 10+20 30% के आसपास आपका आंसर रहेगा, 30% नहीं रहता एग्जैक्ट। ठीक, और इंक्रीज हो रहा है तो 30% से ज़्यादा ही वैल्यू रहेगी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस का आंसर। ये मैंने इसलिए बोला कि 30% के थोड़ा आसपास रहेगा, ताकि थोड़ा लॉजिकली भी आप सोचना शुरू कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। पहले मैं एज्यूम करता हूँ 100। ठीक है, तो परसेंटेज में एक खासियत है, जब भी सक्सेसिव होता है तो आप पहले 20% भी निकाल सकते हैं 100 का, अगर आपको टफ लगता है 20% निकालना, या पहले 10% निकालना, तो ठीक है, जब आपको आखिरी वैल्यू पूछ रहा है तो आप कोई परसेंटेज पहले निकाल सकते हैं। पहले आप इंक्रीज निकाल लीजिए 10%, फिर 20% निकाल दीजिए, या 20% पहले निकाल दीजिए, फिर बाद में 10% उसको इंक्रीज निकाल दीजिए, तो आपकी वैल्यू लास्ट में चेंज नहीं होगी, बीच में भले ही आपकी फर्स्ट टाइम में चेंज हो जाएगी, लेकिन लास्ट की वैल्यू जो रहेगी, आखिरी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम सिमिलरली इसी वे में चलेंगे, 10% पहले निकालेंगे, फिर 20%। ठीक है, तो पहले 10% हम निकालेंगे 100 का, तो 10 आता है उसको, 110 पहली वैल्यू आई हमारी 10% इंक्रीज होने के बाद। फिर दोबारा हमने 20% इसको इंक्रीज किया 110 को, तो 110 को 20% करेंगे इंक्रीज, तो आप इसको 1.2 से इंटू कर सकते हैं, या 20% इसको निकाल के ऐड कीजिए, तो 22 होगा 110 का 20%, तो 100+22 इसके टू 132। तो 132 आप देख सकते हैं कि 32 का इंक्रीज आया, 32% में इंक्रीज आया 100 का 100 पे। तो इसमें परसेंटेज में आप कैसे निकालेंगे, 32 का इंक्रीज आया कितने से, इनिशियल वैल्यू पे, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100, तो 100 पे कितनी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो आप उसको सीधा परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो 32 बड़ा है तो आप इसको 32% सीधा लिख सकते हैं, या तो 32/100 × 100=32%, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है। इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखते हैं, आइए। ठीक है, तो आपको पता है कि 10% इंक्रीज हो रहा है, 20% भी इंक्रीज हो रहा है, दो इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। तो इनिशियल नंबर को हम लेंगे x, तो आपको पता है कि जब इंक्रीज होता है, एक नंबर इंक्रीज हो रहा है x, 10% से इंक्रीज होता है, तो हम कैसे इंक्रीज करते हैं, 1+10/100, यहाँ पर 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 1+20/100। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले लिखेंगे x +10+10% of x। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो आपका 110x/100 होगा, फिर उसको आप 20% इंक्रीज करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली इंक्रीज कर दिया हमने डायरेक्टली। ठीक है, x 1+10/100 1+20/100। ठीक है, आपको ये
पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो 1.1 टाइम्स होता है किसी वैल्यू का, और दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो 1.2 टाइम्स होता है। तो टोटल यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x आपकी जो वैल्यू थी 1.32 टाइम्स हो गई है। ठीक है, जब कोई वैल्यू 32 टाइम्स हो जाती है 1.32 टाइम्स, तो आपको पता होना चाहिए कि देयरफॉर इट इंडिकेट्स 32% इंक्रीज ऑन द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, x का 1.32 टाइम्स हो गया तो मीन्स 32% वो बढ़ गया है, हमको आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी ये कंसेप्चुअल बातें हैं, बेसिक बातें हैं, आपको पता होना चाहिए 1.32 टाइम्स है। ठीक है, इनिशियल आपका क्या था, x थी, अब ये 1.32 टाइम्स हो गया, इतना इंक्रीज डिक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज मतलब 1.1, 20% इंक्रीज 1.2। ठीक है, आपको ये जो डेसिमल में वैल्यू 1.1, जैसे ये आपको ये ब्रैकेट का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आपको ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, कि आपको इतना ऊपर के दो स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। 10% इंक्रीज हो रहा है, आपको बताना है 1.10 बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है मीन्स 1.20 टाइम्स हो रहा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.32 टाइम्स ऑफ एक्स, तो आपको 32% इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, ऑप्शन सी। आइए दूसरा मेथड देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए दो कॉलम मैंने ये बनाए, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। यहाँ पे हम परसेंटेज की भी एक वैल्यू का कॉलम है, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा परसेंटेज वैल्यू प्लस 10%। ठीक है, तो जब कोई वैल्यू 10% बढ़ती है, ठीक है, तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/10। ठीक है, 1/10 तो मीन्स ये प्लस में, तो अगर वो पहले इनिशियल 10 था, अगर वो इनिशियली 10 था तो इंक्रीज होके प्लस 10%, 10 का कितना होता है 1 होता है, 10 + 1 आपको हो गया 11। ठीक है, प्लस 10 का होता है फ्रैक्शन में, आप 1 + 1/10 होता है। ठीक है, प्लस 1/10, तो आपके इनिशियल वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर को आप इनिशियल वैल्यू भी मान सकते हैं 10, वो 10% इंक्रीज हो गया मीन्स 1 इंक्रीज हुआ, तो फाइनल वैल्यू आपकी 11 हो गई। ठीक है, 10% इंक्रीज होने पर। वैसे ही सिमिलरली 20% होता है आपका प्लस 1/5 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका क्या है, 5 क्या आपकी इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू क्या होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके लिख दीजिए चाहे तो, या तो 5 का 20% है आपका 1, उसको आप ऐड करके इसमें लिख दीजिए, तो 5 + 20% ऑफ 5 जो कि 1 है, तो 5 + 1 = 6 है। वैसे 10 में भी 10 का 1 कितना है, 10% 1, तो 11 हुआ। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपकी होगी 10 × 5 50, और ये 11 × 6 66। अब देखिए दोनों में 16 का अंतर आ रहा है, तो 16 का अंतर कितने पे आया, 50 पे आया। ठीक है, 50 से वैल्यू बढ़ के आपकी 66 हुई, तो 16 बढ़ गई, कितने से बढ़ी है, 50 पे, तो जितनी वैल्यू बढ़ी है वो ऊपर, और जिससे बढ़ी है जो मतलब इनिशियल वैल्यू थी 50, वो नीचे। अब इसको आप फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे फ्रैक्शन को, 16/50 × 100, 32% आपको ऑप्शन सी आंसर आ गया। एक ये भी मेथड है, आपको तीन मेथड मैंने बता दिए इसको सॉल्व करने के लिए।